रेलवे की तैयारी करें अब हमारे साथ आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी फर्स्ट स्टेज डेली प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट ऑन डेली बेसिस वी आर गिविंग 15 एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस फॉर यू इन दिस वीडियो सीरीज वी विल आल्सो सॉल्व प्रीवियस ईयर एग्जाम्स पेपर लेटर फेज यू कैन एग्जामिन योरसेल्फ बिफोर आरआरबी एग्जामिन यू फॉर मोर प्रैक्टिस यू कैन परचेज आवर बुक्स ऑन रेलवे एग्जाम्स फ्रॉम गिवन लिंक ऑफ अमेजॉन Get selected in railway exams without coaching in first attempt. And now, questions and answers. Question number 1. Chol Shasakon ki bhasha kya thi? A. Sanskrit B. Kannad C. Tamil D. Telugu Aur iska sahi jawab hoga option C. Chol Shasakon ki bhasha Tamil thi, Kamban Ottakuttan aur पुगलेदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 2 सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे ए ब्रह्मा की बी विष्णु की सी पशुपति की डी इंद्र एवं वरुण की सही जवाब होगा ऑप्शन सी सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे क्वेश्चन नंबर 3 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था ए रंजीत सिंह ने बी झांसी की रानी ने सी तात्या टोपे ने डी नाना साहब ने और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1857 की क्रांति के समय कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने किया इनका वास्तविक नाम धोंदू पंत था क्वेश्चन नंबर 4 श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था ऑप्शन ए हैदर अली को बी टीपू सुल्तान को सी शाह आलम द्वितीय को डी मीर कासिम को और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था इस युद्ध के ब्रिटिश गवर्नर कार्नवालिस मराठा और निजाम की संयुक्त सेना ने श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया ए चीन और ब्रिटेन बी अमेरिका और ब्रिटेन सी जापान और रूस डी जापान और चीन सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारत से अफीम ब्रिटिश कंपनी द्वारा चीन लाई जाती थी और वहां पर अंग्रेज चीनी माल के भुगतान के रूप में इस अफीम को देते थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन में अफीम को अपना महत्वपूर्ण व्यापार बना लिया था 1800 में चीनी सरकार द्वारा इस व्यापार पर रोक लगा दी गई फिर भी ब्रिटिश व्यापारी चोरी से व्यापार करते रहे ब्रिटिश कंपनी ने इस प्रतिबंध को हटाने की मांग की लेकिन प्रतिबंध नहीं हटाया गया इसके फलस्वरूप 1833 ईस्वी में चीन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया 1938 में चीनी सरकार ने एक विशेष आयुक्त की नियुक्ति की और चीन में नशाबंदी तथा अफीम के आयात पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार दे दिया इसी अधिकार के तहत ब्रिटिश अधिकारी से अफीम की पेटियां जब्त कर ली गई ब्रिटिश व्यापारी बोर्ड के अध्यक्ष के निर्देश पर बेंटन से हांगकांग जाकर बस गए इसी के कारण चीन और ब्रिटेन के बीच शत्रुता बढ़ गई जो चीन अफीम युद्ध का कारण बनी क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या है रुद्र सागर झील जो राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित की गई है ए उड़ीसा में बी मध्य प्रदेश में सी पश्चिम बंगाल में डी इनमें से किसी में नहीं और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी रुद्र सागर झील जो राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित की गई है ये त्रिपुरा में अवस्थित है इस पार्क के नाम से पहिजाला वन्य जीव अभयारण्य है ये सुंदर पक्षी का घर है यहाँ भालू तेंदुआ हिरण चीतल आदि जानवर पाए जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है ए रेतीली मिट्टी बी चिकनी मिट्टी सी काली मिट्टी डी दुमट मिट्टी सही जवाब होगा ऑप्शन सी
कपास उगाने के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। इसका विकास बसाल्ट से ढके प्रदेशों में शुष्क अवस्था में होता है। इस मिट्टी का काला रंग इसमें पाए जाने वाले कुछ लवणों के कारण है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का राष्ट्रपति बनने वाला प्रथम असमी कौन था? ए सैयद अनवर तैमूर, बी गोपीनाथ बारदोलोई, सी फखरुद्दीन अली अहमद, डी सैयद अब्दुल मलिक। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। भारत का राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम असमी राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977 के बीच थे। क्वेश्चन नंबर 9, गुले नगमा के लेखक कौन हैं? ए शेख शादी, बी रघुपति सहाय फिराक, सी मोहम्मद इकबाल, डी फैज अहमद फैज। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। गुले नगमा के लेखक रघुपति सहाय फिराक हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सुब्रतो कप का संबंध किस खेल के साथ है? ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी बास्केटबॉल, डी बैडमिंटन। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। सुब्रतो कप, रोवर्स कप और संतोष ट्रॉफी आदि फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, होली के त्योहार के बाद चैत्र महीने के पहले दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ए गणगौर, बी गोगाजी, सी मकर संक्रांति, डी तीज। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। होली के त्योहार के बाद चैत्र महीने के पहले दिन गणगौर त्योहार मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, यूपीएससी में अध्यक्ष के अलावा 10 सदस्य होते हैं। ए 7, बी 8, सी 9, डी 11। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। संविधान के अनुच्छेद 313(1) में उल्लेख है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग में 1 अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के तिथि से 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होता है। क्वेश्चन नंबर 13, धातुओं में चमक होती है। ऑप्शन ए मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, सी सुचालकता के कारण, डी अधिक घनत्व के कारण। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। धातुओं में चमक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 14, मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ए डीटीटी का, बी गंबुसिया का, सी तेल का, डी विलेप का। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। गंबुसिया स्वच्छ जल में पाई जाने वाली मछली है जो जल में उपस्थित मच्छरों के लार्वा को खाकर नियंत्रण करती है, इसलिए इसे मॉस्किटो फिश भी कहते हैं। और अब इस सेट का आखिरी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 50। किसी राशि पर साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से 30 वर्षों में उस राशि से 120 अधिक प्राप्त होता है, वो राशि क्या है? ए 600, बी 500, सी 700, डी 480। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। एक्स प्लस 120, 120 एक्स माइनस 100 एक्स इज इक्वल टू 120 इंटू 100 और 20 इंटू 12,000 एक्स इज इक्वल टू 600।